ये कानपुर के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है और निश्चित रूप से इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा और जनता के हित के लिए काम किया जा रहा। और ये कहा भी जा रहा है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली का भी चालू कर देंगे, तो इससे सुविधाएं अनेक जिलों से यहाँ से लोग उसका लाभ लेंगे और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। निश्चित रूप से मैं योगी जी को और सिंधिया जी को सबको हृदय से बधाई देता हूँ। ये तो वचन जो मोदी सरकार ने दिया उसको पूरा किया है। ये एक प्रकार का एक उदाहरण है कि जो मोदी सरकार कहती है, जो योगी सरकार कहती है, उसको पूरा करती है। उत्तर प्रदेश को और ख़ासतौर से कानपुर को एक हवाई नक्शे पर लाने का काम किया गया है। इसी के साथ साथ जो अन्य रिंग रोड बनने वाली है, जो एलिवेटेड पुल बनने वाला है और मेट्रो बनने वाली है, ये सरकार ने चुनाव के पहले पूरा करने का वादा किया था और पूरा किया है। मेरा विश्वास है कि ये कानपुर की जनता की आंखों में चमक देखने, आप देखिए कि कानपुर की जनता कितनी खुश है, कितनी उत्साहित है, कितनी प्रफुल्लित है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को कि जिन्होंने कानपुर की जनता को ये सौगात दी। कानपुर के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि ये नए टर्मिनल का जो आज विस्तार हुआ है, हवाई यातायात के जरिए लोग देश से कनेक्ट होने में उनको, लोगों को सुविधा मिलेगी। कानपुर का जो गौरव रहा है, गरिमा रहा है और उसमें यातायात की जो गतिशीलता है वो बहुत महत्व रखती है। और मोदी जी ने जो गति शक्ति के अभियान के तहत और उड़ान योजना के तहत जहाँ सस्ती उड़ान हुई हैं, सुलभ हुई हैं, अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है। देखिए हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के यहाँ आएंगे, तो सब एक दूसरे का है ताकि हमारे जनप्रतिनिधि पूरे देश को समझ सकें। इसके कारण से ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है, बाहर के भी आएंगे। हमारे यहाँ के मंत्री, विधायक, सांसद जो पदाधिकारी हैं वो दूसरे राज्यों में लगाए गए। ये संगठन की एक व्यवस्था है, इसके कारण ये नहीं है कि यहाँ कोई कमी कमजोरी है। यहाँ खुद सक्षम नेतृत्व है, लेकिन संगठन की व्यवस्था कारण से लोग समझदारी बढ़े, तमाम लोग उत्तर प्रदेश की समझ वाले हों और दूसरे राज्यों की समझ वाले उत्तर प्रदेश में नेता हों, इसके लिए अन्य अन्य राज्यों में भेजा जाता है। हम तो अपने प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करते हैं कि कानपुर के लिए नई नई सौगातें मिल रही हैं और यह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि कानपुर वासी अब इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, लखनऊ सीधे कानपुर से ही एक सुंदर सौगात मिली है एयरपोर्ट के रूप में। और हम इनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं पूरी जनता की तरफ से। क्या जब से 2014 से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, ये हमारा कानपुर का सौभाग्य है। नित नई योजनाओं और नित नई सौगातें हमारे कानपुर को मिल रही हैं। आज ये एयरपोर्ट का जो विस्तार हुआ है, निश्चित रूप से कानपुर की ये मांग बहुत पुरानी थी और आज इस सरकार ने इस मांग को पूरा करके कानपुर को एक नई पहचान देने का काम किया। अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो प्रदेश स्तर की पार्टी है, तो उनके पास तो बाहर अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो वो तो इस तरह का अटैक या इस तरह की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, उसमें सांसद, विधायक जैसे प्रतिनिधि अनेकों हैं कार्यकर्ता के रूप में। वो जहाँ उनकी जिम्मेदारी उनको दी जाती है वो पूरी करते हैं। बहुत बड़ी सौगात मानते बेटा, हम लोगों को जाना पड़ता था लखनऊ अगर 10 बजे की है तो यहाँ से 3 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले जाना पड़ता, कहीं जाम में फंसे कहीं से। अब यहाँ घर से आए बैठे जहाँ चाहे चल दिए। अरे तो कहाँ तक हमारे योगी जी मोदी जी कर देंगे हम बता नहीं सकते। हाँ देखिए, कानपुर को आज तक केवल वोट बैंक या राजनीति की भेंट चढ़ाया गया, किसी भी सरकार ने कानपुर पर ध्यान नहीं दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी और योगी जी को कि उन्होंने कानपुर को मील का पत्थर साबित करते हुए जो एयर कनेक्टी से पूरे देश के नक्शे में कानपुर को जोड़ा है और 87,000 करोड़ से ज़्यादा का कानपुर में इन्वेस्ट होना, यानी राजस्व भी बढ़ेगा, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, उद्योग भी डेवलप होगा, उद्योगपतियों का समय बचेगा। और जिस प्रकार से जर्मन के लोग यहाँ एलिम्को में जो ज्वाइंट यहाँ पर काम चल रहा है, उससे जर्मन के लोग भी अब कानपुर की सीधी एयर कनेक्टिविटी का लाभ ले पाएंगे, विदेशी भी आ पाएंगे, यहाँ का हर हाल में प्रत्येक नागरिक को लाभ और रोजगार का साधन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आए और कानपुर वासियों को बड़ी सौगात देकर
चले गए। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे और कानपुर एयरपोर्ट यानी कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की शुभारंभ कर दिया गया है। 150 करोड़ की लागत से बनी इस इमारत को ये कहा जा रहा है कि ये पिछले टर्मिनल बिल्डिंग से 16 गुना बड़ी है और कानपुर वासियों और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए बेहतर एयर कनेक्टिविटी लेकर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि 2017 से पहले कानपुर की पहचान यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रदूषित गंगा होती थी और इसके साथ ही उन्होंने गंगा को साफ करने का काम किया। यहाँ के सीसामऊ नाला जो सबसे बड़ा नाला था उसको टैप कराया गया और उसके बाद कनेक्टिविटी को बेहतर करते हुए मेट्रो दी गई, सड़क की कनेक्टिविटी बेहतर की गई और आज एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। कानपुर हवाई अड्डे की आलीशान और इस शानदार और भव्य इमारत का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत सारी फ्लाइट्स कानपुर से चलाई जाएंगी यानी बहुत सारे शहरों को कानपुर से जोड़ा जाएगा और इस मौके पर उन्होंने विपक्षियों पर और पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि कानपुर और उत्तर प्रदेश की पहचान को पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार ने बदलने का काम किया है और आज देश में और उत्तर प्रदेश में खासतौर से 9 एयरपोर्ट्स काम कर रहे हैं जिनमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में उसका भी शुभारंभ किया जाएगा बहुत जल्द और बहुत सारे 12 नए एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ऑपरेशनल होने जा रहे हैं यानी हवाई यात्रा को और हवाई मैप को बहुत ज़्यादा दुरुस्त किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में खासतौर से और उसी का परिणाम है कि कानपुर में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आज नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। कानपुर में नई फ्लाइट्स चलाई जाएंगी और नए शहरों से कानपुर को जोड़ा जाएगा और ये बहुत जल्द होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, उनके साथ तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे और सभी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखे क्योंकि इसकी कई वर्षों से मांग की जा रही थी और जो सपना आज पूरा हुआ। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।